हेलो दोस्तों, मैं अमित गुप्ता आप सभी का अपने चैनल टैलेंटेड स्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वर्ड पावर मेडिसी का सेशन 36 है। चलिए इसको शुरू करते हैं हम लोग। पहला हमारा जो आज का वर्ड रूट है वो हमारा एनिमस, ठीक है। एनिमस का मतलब होता है हमारा माइंड, ठीक है। और एनिमा इसका मतलब होता है सोल स्पिरिट, ठीक है। सोल स्पिरिट इन द सेंस कि किसी व्यक्ति का क्या उसका मॉरल वैल्यू है, क्या काइंड पर्सन है, क्या सिंपैथी दिखाता है किसी के प्रति, वो सब सोल और स्पिरिट कहलाएगा, ठीक है। तो हमारा जो पहला आज का वर्ड है वो उसको हम लोग देखते हैं, मैग्नानिमस, ठीक है। मैग्नानिमस तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। एक हमारा मैग्ना और दूसरा एनिमस। मैग्ना का मतलब होता है ग्रेट, लार्ज, और एनिमस क्या हो गया हमारा माइंड। तो अगर हम इसको तोड़ के पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, अ ग्रेट माइंड, ठीक है। तो अगर जो जिसका माइंड ग्रेट रहेगा वो कैसा रहेगा, बेवकूफ़ तो नहीं रहेगा, बिल्कुल समझदार रहेगा, मतलब अपने दिमाग से बहुत ही अच्छा काम लेगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, बहुत ही नोबल माइंड होगा। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मैग्नानिमस पीपल हैव सच ग्रेट नोबल माइंड्स और सोल्स दैट दे आर बियॉन्ड सीकिंग पिटी रिवेंज, ठीक है। यहाँ पे दोनों हम लोग इंक्लूड किए, माइंड और सोल और स्पिरिट, मतलब ग्रेट स्पिरिट, इसका मॉरल वैल्यू बहुत ग्रेट होगा, इसका माइंड बहुत ग्रेट होगा, ठीक है। जो बिल्कुल गलत काम नहीं कर सकता है, ठीक है। जो सबसे किसी से बदला नहीं लेना चाहेगा, ठीक है। वो किसी को भी माफ़ कर देगा, इसका माइंड बहुत ग्रेट रहेगा, जिसका सोल बहुत अच्छा रहेगा, जिसका स्पिरिट बहुत अच्छा रहेगा, जो इस काइंड पर्सन रहेंगे वो क्या करेंगे, दूसरे को माफ़ कर देंगे, ठीक है। तो ग्रेट माइंड जो रहेंगे या फिर ग्रेट सोल जो रहेंगे, ठीक है, जिनका स्पिरिचुअल वैल्यू बहुत अच्छा रहेगा, जो बहुत मोरल रहेंगे, लार्ज मतलब ग्रेट मोरल वैल्यू जिनका रहेगा, वो कैसे रहेंगे, बहुत ही काइंड पर्सन रहेंगे, जेनरस पर्सन रहेंगे। आप लोग क्लियर हो गया होगा शायद, हैविंग और शोइंग अ जेनरस एंड काइंड नेचर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्यूसीलस, ठीक है। क्यूसीलस मतलब होता है टाइनी, बहुत ही छोटा, ठीक है। तो हमारा जो वर्ड है प्यूसिल एनिमस, ठीक है, प्यूसी लैनिमस, ठीक है, प्यूसी लैनिमस मतलब टाइनी माइंड, छोटा माइंड, स्मॉल माइंड, ठीक है। तो ये प्यूसीलस मतलब टाइनी, छोटा, स्मॉल, तो प्यूसी लैनिमस क्या हो जाएगा, छोटा माइंड, स्मॉल माइंड, ठीक है। तो जिसका माइंड बिल्कुल छोटा रहेगा, ठीक है, वो कैसा रहेगा, वो तुरंत में डर जाएगा, वीक रहेगा माइंड से, अपने दिमाग से वीक रहेगा। जो स्ट्रॉन्गर पर्सन रहते हैं उनके सामने कोई भी अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको माइंड से, दिमाग से ही सॉल्व किया जाता है, ठीक है। दिमाग से इसको अपोज करते, सॉल्व करते, किसी पर्टिकुलर कंडीशन को सॉल्व करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसको अपने माइंड से ही सॉल्व करते हैं। जिसका माइंड ही छोटा रहेगा, मतलब इन द स्मॉल साइज का बात नहीं है, थिंकिंग का बात है, इसका माइंड छोटा रहेगा, कैसे रहेंगे, कोई भी डेंजर आएगा तो डर जाएंगे तुरंत, माइंड से वो वीक रहेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई में वीक का मतलब नहीं है, वो डरपोक रहेंगे, ठीक है। प्यूसिलैनिमस पर्सन कैसे रहेंगे, वीक रहेंगे, डरपोक रहेंगे, ठीक है। बॉडी पावर से वीक का बात नहीं, यहाँ पे माइंड से वीक रहेंगे, मतलब पढ़ाई को भी लेके नहीं, डरपोक रहेंगे, किसी भी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते, वो बहुत डर के भाग जाएंगे, ठीक है। वीक एंड अफ्रेड ऑफ डेंजर, डर से बहुत डरेंगे वो लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे एक वर्ड रूट एक नया आया है, ठीक है। अन अन मतलब होता है वन, ठीक है। ये वर्ड मीनिंग, ये रूट हमें वर्ड पावर में ही मिला, ठीक है। तो ये अन जो है UN, इसका मतलब होता है वन, एक, और एनिमस, यहाँ पे अन एनिमस, ठीक है, ये इतना हिल रहा है, 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है। अन एनिमस मतलब, अन मतलब हमारा हुआ वन, और एनिमस मतलब हुआ माइंड, मतलब वन माइंड। तो वन माइंड मतलब सबका सेम ओपिनियन, सबका माइंड में जो बात चल रहा है एक ही चल रहा है। तो अन एनिमस का मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज, कोई ऐसा अग्रीमेंट जिसमें सब अग्री हो, जिसका सबका सेम ओपिनियन रहे, सबका सेम माइंड रहे, वन माइंड रहे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई आदमी इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ, ठीक है, और वो अन एनिमसली जीत गया, इसका मतलब कि उसको पूरा का पूरा उसको वोट मिला, एक भी पर्सन उसके अपोज में नहीं गया, सबका माइंड था कि उसी को जिताना है। अन एनिमस का मतलब बिल्कुल अपोज नहीं किया गया, एक सब कोई अग्री हो, वन माइंड, ठीक है इसको। अब नेक्स्ट वर्ड है इक्वानिमिटी, ठीक है। इक्वानिमिटी मतलब, इक्वा मतलब होता है इक्वल, और एनिमस जो एनिमिटी यहाँ पे आया मतलब माइंड, ठीक है। इक्वल माइंड मतलब हमेशा उसका माइंड इक्वल रहेगा,
चाहे कितना भी खुशी हो जाए या कितना भी दुख हो जाए, ठीक है, वो हर प्रॉब्लम को बिल्कुल काम, बिल्कुल रिलैक्स होकर उसको सॉल्व करेगा, ठीक है। तो एज इक्वल माइंड, मतलब जो कभी भी नर्वस ना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई इतना भी प्रेशर हो, बिल्कुल उसको ठंडे दिमाग से सॉल्व कर दे, उसको हम लोग इक्वानिमिटी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एनिमस। अब यहाँ पे देख दीजिएगा, एनिमस का जो वर्ड रूट होता है वो माइंड होता है, बट एनिमस को अगर हम लोग वर्ड की तरह यूज़ करते हैं तो इसका इसका माइंड इसका मतलब बिल्कुल अलग हो जाता है। इसका अगर एनिमस हम लोग, जैसे एनिमस का जो हम लोग पढ़े थे अभी, वर्ड रूट पढ़े थे माइंड, बट अगर एनिमस को हम लोग वर्ड की तरह यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है अनफ्रेंडली माइंड, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एनिमस हम लोग जो पढ़े थे इसका वर्ड रूट था, इसका जब ये वर्ड रूट की तरह काम कर रहा था एनिमस, ठीक है, जब एनिमस ये वर्ड रूट की तरह काम कर रहा था तब ये इसका वर्ड रूट था माइंड, ठीक है। अगर ये वर्ड की तरह काम करेगा तो उसको ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब था अनफ्रेंडली माइंड। जो अनफ्रेंडली माइंड रहेगा वो कैसा रहेगा, बिल्कुल हॉस्टिलिटी बिहेवियर का रहेगा, और बिल्कुल दुश्मनी, जो किसी हिसाब से दुश्मनी लेके रहना चाहेगा। तो एनिमस क्या होगा, अ स्ट्रांग फीलिंग ऑफ डिसलाइक और हेटर्ड, ठीक है, हॉस्टिलिटी बिहेवियर रहेगा बिल्कुल। अब ध्यान दीजिए, एनिमस जब हम बोलते हैं वर्ड रूट की तरह यूज़ होगा तो माइंड, और अगर वर्ड की तरह यूज़ होगा तो अनफ्रेंडली माइंड, जो बिल्कुल ख़तरनाक हो किसी के लिए, जो बिल्कुल किसी से नफरत करता रहा, ठीक है। इसका एक और वर्ड है एनिमोसिटी, ठीक है, एनिमोसिटी, ये भी इसी वर्ड रूट से मिलके बना। यहाँ पे भी हमारा जो वर्ड यूज़ हो रहा है वो एनिमस ही डायरेक्टली यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्टो। वर्टो और वर्सस, इसका मतलब है टू टर्न, ठीक है, टू टर्न। तो वर्साटाइल, इसको बाद नेक्स्ट सेंटेंस इसको ध्यान दीजिए, वर्साटाइल पीपल कैन टर्न देयर हैंड टू मेनी थिंग्स सक्सेसफुली। वर्टो मतलब टर्न, और एक सेंटेंस यहाँ पे लिया है मैंने, वर्साटाइल पीपल कैन टर्न देयर हैंड टू मेनी थिंग्स सक्सेसफुल, मतलब हर चीज़ में वो हाथ अपने अच्छा से टर्न कर पा रहे हैं। मतलब वर्साटाइल का मतलब क्या होता है कि अलग अलग चीज़ में बिल्कुल अच्छे से एक्सपर्ट की तरह काम कर लेने को वर्साटाइल कहते हैं, ठीक है। एबल टू डू मेनी डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, मतलब अलग अलग चीज़ में हाथ घुमा लेना, हाथ फेर लेना को हम लोग वर्साटाइल बोल रहे थे। अगर कोई वर्साटाइल पीपल रहेगा तो अलग अलग थिंग जो बिल्कुल अच्छे से वो हाथ फेर पाएगा सक्सेसफुली। इसका मतलब क्या है कि जो वर्साटाइल लोग होंगे वो बहुत सारे काम करने में माहिर होंगे। मतलब वो एक ऐसा कोई व्यक्ति है जो कार भी बना लेता है, बाइक भी बना लेता है, चेयर भी बना लेता है, मोबाइल भी बना लेता है, सब चीज़ बना लेता है लगभग, ठीक है। तो वो क्या वर्सटाइल पर्सन है, उसमें बहुत सारा क्वालिटी है, पढ़ने में भी बहुत तेज़ है, खेलने में बहुत तेज़, तो वर्सटाइल पर्सन है। अब वर्सटाइल थिंग अगर चीज़ के बारे में बोलेंगे तो ऐसा कोई चीज़ जिसका मल्टीपल यूज़ हो, जैसे हम लोग मोबाइल, हमारा मोबाइल मूवी देखने के लिए काम आता है, पढ़ाई करने के लिए काम आता है, डिक्शनरी के लिए काम आता है, ठीक है, कैमरा के लिए काम आता है, गाने सुनने के लिए काम आता है, वीडियो रिकॉर्डर के लिए काम आता है, इतना सारा यूजेज है, क्या बिल्कुल एक वर्सटाइल, ठीक है, वर्सटाइल थिंग है ये, ठीक है, क्लियर हो गया होगा वर्सटाइल का मीनिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब एक स्टोरी हम लोग एक स्टोरी सुनेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक फिलोसोफर थे जिनका नाम था जेनो, ठीक है। तो वो क्या करते थे, वो फिलोसफी अपने, जैसे एक एक वर्ड और यहाँ पर बताया, स्टोवा और पोर्च, ठीक है, स्टोवा पोर्च, इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे कोई घर है, ठीक है, ये कोई हाउस है, ठीक है, बहुत हिल रहा है आज, ठीक है, एक ये हाउस है, तो यहाँ पे मान लीजिए एंट्री करने का जगह दिया हुआ है, तो हाउस के बाहर एक छोटा छत की तरह निकला हुआ रहता है। अभी ध्यान दीजिएगा कि कोई भी इसको नेट पर सर्च कर लीजिए, इस वर्ड को बिल्कुल समझ में आ जाएगा इमेज के साथ। जैसे कोई घर है, घर का जो एंट्री वाला हिस्सा रहता है, जहाँ पे बहुत कोई कार उर भी लगाते हैं, ठीक है, जो एंट्री वाला हिस्सा रहता है वो थोड़ा सा घर से थोड़ा बाहर निकला हुआ, छत, एक छोटा सा छत रहता है जो जनरली बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, ठीक है, तो उसको हम लोग स्टोवा कहते हैं और पोर्च कहते हैं। जो जेनो थे वो क्या करते थे, वो एक फिलोसोफर थे, और वो अपने पोर्च में आके बहुत से स्पीच दिया करते थे, फिलोसफी दिया करते थे लोग अपने फैंस को, वो उसी जगह पे वो जो पोर्च था, जो स्टोवा था, वहाँ पे आके बहुत सारे फिलोसफी देते थे। तो आज के जो फिलोसोफर है उनका कहना है कि आपका जो मन में दुख है उसको बाहर निकालिए, सबसे शेयर कीजिए, रोइए, आपको मन हल्का लगेगा, अपना खुशी को बांटिए, दुख को बांटिए,
खुशी को बांटने से खुशी बढ़ेगा, दुख को बांटने से दुख कम होगा, ठीक है। बट उनका मानना बिल्कुल अलग था। उनका मानना था कि आपको खुशी आए या दुख आए, खुशी आए तो इसको एंजॉय कीजिए, और अगर दुख आए तो उसको लेके रोइए मत, उसको डट के सामना कीजिए बिल्कुल ठंडे दिमाग से, ठीक है। नहीं किसी को शिकायत कर रहे हो कि मेरा ज़िंदगी इतना बेकार चल रहा है यार, मैं क्या करूँ, मैं मर जाऊँ, समथिंग समथिंग। वो बिल्कुल उनका फिलॉसफी अलग था। उनको बोलते जो भी जीवन में कठिनाई आती है उसको डट के सामना कीजिए विदाउट किसी को कंप्लेन किए हुए, ठीक है। तो उनके जो फैंस थे उनको स्टोइक्स कहने लगते थे, उनको फैंस स्टोइक्स कहने लगते थे, क्योंकि वो वहाँ पे स्टोवा में आके सबको अपना फिलॉसफी देते थे। मतलब वो जो घर का एंट्री होता है उसके ऊपर में जो छोटा सा छत होता है वहाँ पे आके वो फिलॉसफी दिया करते, तो इनको सब फैंस स्टोइक्स कहते थे। तो उनका जो फिलॉसफी क्या था कि उनका जो फिलॉसफी ये था कि आपके जो भी जिंदगी में परेशानी दर्द आए उसको आप विदाउट किसी को कंप्लेन किए खुद से उसका सामना कीजिए। तो स्टोइक्स का जो मीनिंग आके निकला, स्टोइक्स का मीनिंग आके निकला कि वो जेनो बनिए, जेनो मतलब वो फिलोसोफर बनिए, स्टोइक्स का मतलब फिलोसोफर बनिए। कौन सा फिलोसोफर? जो ऐसा मानता था कि कोई भी जिंदगी में प्रॉब्लम आ जाए मैं किसी को शिकायत नहीं करूँगा, मैं उसे डट के सामना करूँगा। तो स्टोइक का मतलब हो गया कि आपका जो भी जिंदगी में सोरो हो, पेन हो, उसको आप खुद से सामना करना है विदाउट किसी को कंप्लेन किए। तो स्टोइकल का मतलब वहाँ से निकल के आया कि बियर देयर पेन और सोरो विदाउट कंप्लेन। शायद आप लोग को अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ट्रेपिडो। ट्रेपिडो मतलब टू ट्रेम्बल, डर के मारे, ठीक है, कांपने को ट्रेपिडो कहते हैं। टू ट्रेम्बल कांपना, डर के मारे कांपने को ट्रेपिडो कहते हैं। ये वर्ड रूट है हमारे, ये वर्ड रूट है, ठीक है। तो हमारा एक दूसरा वर्ड है इंट्रेपिड। इंट्रेपिड इन मतलब इन, अंदर, ठीक है। ट्रेपिड, ट्रेपिडो मतलब ट्रेम्बल, कांपना। जब आदमी का शरीर डर के मारे, शरीर पूरा का पूरा पार्ट, ठीक है, सॉरी एक मिनट, ट्रेपिडो मतलब टू ट्रेम्बल, कांपना, ठीक है। और इन जो हमारा नेगेटिव प्रीफिक्स है, इन ट्रेपिड मतलब, ट्रेपिड मतलब डरना, डर के मारे कांपना, और इन जो हमारा नेगेटिव प्रीफिक्स है मतलब बिल्कुल डरना नहीं, शरीर के अंदर बिल्कुल डर नहीं होना, जिसको जिसका डर बिल्कुल शरीर में ना हो उन्हें इंट्रेपिड कहते हैं, ठीक है। ट्रेपिडो टू ट्रेम्बल, कांपना, डर के मारे कांपना, डर में रहना, इंट्रेपिड इन हमारा नेगेटिव प्रीफिक्स है। और ट्रेपिडो, ट्रेपिडो से लेगा डरना, ठीक है, मतलब नहीं डरना, नेगेटिव प्रीफिक्स और डरना मतलब नहीं डरना, फीलिंग नो फियर, वेरी बोल्ड और ब्रेव। आप लोग को ये वर्ड क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन क्या है? ट्रेपिडो टू ट्रेम्बल, डर से कांपना, तो इसी का हमारा ये वर्ड बना ट्रेपिडेशन, मतलब ग्रेट फियर, ट्रेम्बलिंग, कांपना, डर से कांपने को ट्रेपिडेशन कहते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, सिंटिला। सिंटिला मतलब अ क्विक ब्राइट स्पार्क, छोटा सा एकदम स्पार्क, एक सेकेंड का स्पार्क, ठीक है, सिंटिला कहते हैं। अ क्विक, जल्दी से, ब्राइट स्पार्क को सिंटिला कहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या, स्पार्क क्या होता है? थोड़ा सा ही होता है स्पार्क, आग तो नहीं होता है ना, स्पार्क क्या होता है? अमाउंट बहुत कम होता है, ठीक है। तो सिंटिला अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग भी हम लोग कह सकते हैं सिंटिला, ठीक है, सिंटिला। जैसे मान लीजिए सिंटिला के एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे एक, यहाँ पे लिखा हुआ है एक लाइन, देयर वॉज नॉट अ सिंटिला ऑफ एविडेंस अगेंस्ट हिम। मतलब किसी के कोई कोई पर्टिकुलर आदमी क्राइम किया होगा और उसके लिए थोड़ा सा भी, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ भी कोई भी उसको सबूत ना मिल रहा हो, कोई भी एविडेंस ना मिल रहा हो, तो वहाँ पे सिंटिला यूज़ किया। देयर वॉज नॉट अ सिंटिला ऑफ एविडेंस अगेंस्ट हिम, मतलब थोड़ा सा भी सबूत ना ही नहीं मिला, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हमारा, इसमें ही बढ़ते हैं, ठीक है। सिंटिलेट, सिंटिलेट का मतलब हो जाएगा, सिंटिला मतलब होता है स्पार्क, तो सिंटिलेट का मतलब हमारा हो गया टू एमिट स्पार्क, ठीक है, स्पार्क करने को सिंटिलेट कह सकते हैं। और दूसरा इसका चमकना और ब्राइट, ठीक है, सिंटिला जो स्पार्क रहता है वो ब्राइट रहता है, तो इसी से हमारा ब्राइट से आया क्लेवर माइंडेड, ठीक है, क्लेवरनेस को हम लोग सिंटिलेट कहते हैं, ठीक है। सिंटिलेट पर्सन अगर किसी को बोलेंगे, ठीक है, तो वो क्लेवर पर्सन होगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। सिंटिलेट जो हमारा बेसिक मीनिंग था ब्राइट स्पार्क, ठीक है, ब्राइट स्पार्क और बहुत किसी भी चीज़ का बहुत कम अमाउंट, ठीक है, तो सिंटिलेट हमारा
हो गया चमकना, टू एमिट स्पार्क, ब्राइट, जो ब्राइट रहेगा उसको भी सिंटिलेट कह सकते हैं, और ब्राइट से हमारा क्लेवरनेस आया, सिंटिलेट का मतलब क्लेवरनेस भी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अर्ब्स। ठीक है, अर्ब्स का मतलब होता है सिटी, जैसे अर्बन रूरल एरिया सब जानते हो, अर्बन एरिया मतलब सिटी वाला एरिया, रूरल एरिया मतलब गांव का एरिया, विलेज का एरिया, ठीक है, फार्मिंग एरिया। ठीक है, तो अर्ब्स जो है हमारा है उसका वर्ड रूट है, अर्ब्स जो है हमारा इसका, हाँ, अर्ब्स का मीनिंग है सिटी। ठीक है, अर्ब्स मतलब सिटी, तो इससे हमारे पास पहला वर्ड है अर्बन। ठीक है, अर्बन मतलब का सिटी या सिटी से रिलेटेड कोई भी चीज़, या फिर जो लोग रहते हैं सिटी में उन्हें हम लोग अर्बन कहते हैं। ऑफ और रिलेटिंग टू सिटीज एंड द पीपल हु लिव इन देम। नेक्स्ट देखते हैं अर्बेन। अर्बेन हम लोग पढ़े थे, बिल्कुल पोलाइट एंड कॉन्फिडेंट, फैशनेबल एंड समवाट फॉर्मल, कैसे होगा बताते हैं। जो लोग जनरली सिटी में रहते हैं वो क्या करते हैं, मॉल्स में जाते हैं, मूवी थिएटर जाते हैं, बड़े बड़े स्कूल में जाते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, कभी कभी थिएटर में जाने के लिए हमें लाइन भी लगाना पड़ता है। ठीक है, तो उनमें पेशेंस भी आ जाता है बर्दाश्त करने का, बहुत से बड़े बड़े जगह जाते हैं, तो उस जगह जाने से क्या होता है, उनका बिहेवियर में चेंज आ जाता है, वो लोग सब चीज़ से रूबरू हो जाते हैं। ठीक है, हर एक कंडीशन से रूबरू हो जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे पोलाइट होना है बिल्कुल पोलाइट, वहाँ पे सीख जाते हैं, जैसे लाइन में एटीएम में क्या होगा, लंबा भीड़ रहेगा तो वहाँ पे इंतज़ार करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, बड़े बड़े फंक्शंस में जाते हैं, तो उन्हें वहाँ पर बिहेव कैसे करना वो भी सीख जाते हैं। तो इस सेंस से हमारा अर्बेन वर्ड आया है, मतलब जो अर्बेन रहेंगे, जो अर्बन एरिया में रहने वाले लोग रहेंगे, वो कैसे रहेंगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहेंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा उनमें, क्योंकि वो सब चीज़ को फेस करके बिल्कुल पॉलिश्ड होके आए हैं। ठीक है, मतलब हर एक चीज़ को वो सीख गए, नया नया फैशन को भी अपना चुके हैं, तो फैशनेबल भी रहेंगे, अप टू डेट रहेंगे, फॉर्मल भी रहेंगे। ठीक है, जहाँ पे फॉर्मल का जरूरत रहेगा, तो अर्बेन का मतलब आप लोग क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सब, कुछ वर्ड रूट्स हम लोग यहाँ पे लिए। सब मतलब होता है नियर, ठीक है, इंटर मतलब होता है बिटवीन, और इंट्रा मतलब इनसाइड विथिन, और एक्स मतलब आउट। सब मतलब नियर, इंटर मतलब बिटवीन, इंट्रा मतलब इनसाइड, एक्स मतलब आउट। ठीक है, तो हमारा जो पहला वर्ड है सब अर्ब्स, ठीक है, सब सब अर्ब्स, ठीक है, सब अर्ब्स, सब अर्ब्स, ठीक है, सब हमारा है नियर, और अर्ब्स मतलब सिटी, नियर द सिटी, जो ऐसा जगह जो किसी बड़े सिटी के बस जस्ट बगल में हो, वैसा एरिया को सबर्ब्स कहेंगे, जैसे अ टाउन और अदर एरिया वेयर पीपल लिव इन हाउसेस नियर अ लार्जर सिटी। ठीक, इंटरअर्ब्स, इंटर अर्बन, ठीक है, इंटरबन, तो इंटर हमारा है बिटवीन, और अर्बन मतलब सिटी। ठीक है, तो इंटर अर्बन क्या हो गया हमारा, हु और विच ट्रैवल बिटवीन सिटी, जैसे कोई बस है वो एक सिटी से दूसरे सिटी में जाता रहता है, तो उसके लिए हम लोग इंटर अर्बन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जो उसको हमेशा एक सिटी से दूसरे सिटी में काम पड़ता होगा, तो वो इंटरबन हो जाएगा। ठीक है, इंट्राबन, ठीक है, इंट्रा मतलब इन, विद इन, तो विद इन अ सिटी, जैसे स्कूल क्या है, वो इंट्राबन है, विद इन अ सिटी। हम लोग कहाँ रह रहे हैं अभी, पूछेंगे अभी आप कहाँ हैं, कौन सी सिटी में है, अगर अपने सिटी में है तो बोलेंगे इंट्राबन। ठीक है, इंट्राबन, हम लोग अभी अपने सिटी में है। ठीक है, कोई कॉलेज कहाँ है, तो हमारे सिटी में ही है, तो उसके लिए हम इंट्रा अर्बन यूज़ कर सकते हैं। ठीक, और आउट ऑफ द सिटी है तो एक्स अर्बन। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आते हैं एक्स अर्ब। ठीक है, अ रीजन और सेटलमेंट डैट लाइज आउटसाइड अ सिटी, क्लियर हो गया वो। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं रस और रूरीज। ठीक है, रस और रूरीज मतलब फार्म लैंड और कंट्री। ठीक है, फार्म लैंड जहाँ पे हम लोग फार्म लैंड और दूसरा कंट्री, तो रूरल, रूरल क्या हो जाएगा, फार्म रीजन्स, जहाँ पे हम लोग जैसे हमारा जो गांव से रिलेटेड हो एरिया हो जाएगा, उन्हें हम लोग फार्म रीजन्स कहते हैं, और रूरल मतलब अपने कंट्री को भी हम लोग रूरल कहते हैं, कोई कंट्री को भी रूरल कहते हैं। ठीक है, तो बात आया कि हमारा जो वर्ड है, एक हमारा रस्टिक और दूसरा रस्टिकेट। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड है जिन्हें हम लोग को अच्छे से समझना होगा। ठीक है, तो रस्टिक क्या होता है, फर्नीचर और स्मॉल हाउस मेड ऑफ रफ वुड लाइक अ
लाइक इन फार्म हाउस, ठीक है। तो कोई फार्म हाउस है तो फार्म हाउस के में क्या होगा, कोई छोटा मोटा घर आदमी लकड़ी से बना लेता है, ठीक है, जिसमें वो आराम से अच्छे से रह सके, ठीक है। कोई फर्नीचर जो कि एक खराब लकड़ी, रफ लकड़ी से जनरली काम चलाने के लिए बनाया जाता है, उन्हें हम रस्टिक कहते हैं। और दूसरा जो है हमारा है, ये क्या होता है, ये जो हमारा फर्नीचर जो रफ वुड से बनाया जाएगा, क्या बहुत अच्छा रहेगा? नहीं, बहुत अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है, बस वो काम चलाने के लिए रहेगा, ठीक है। जो भी हम लोग फार्म हाउस में घर रहता है, क्या हमारा वो जो घर रहता है वो क्या बिल्कुल लग्जरियस रहता? नहीं, जैसे हम लोग सिटी में रखते हैं वैसा नहीं रहता, वो लग्जरियस नहीं रहता है, ठीक है। तो रस्टिक का जो दूसरा मीनिंग, अगर हम लोग किसी ह्यूमन बींग के बारे में बात करते हैं, किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं रस्टिक का, तो वो कैसा रहेगा, बिल्कुल अनकल्चर्ड रहेगा, लैकिंग ऑफ सोशल ग्रेसेस रहेगा, क्योंकि वो गांव से रिलेटेड बताया जा रहा है कि फार्मलैंड से, तो बहुत सारी चीज़ में ट्रेंड नहीं रहेगा, वो फैशनेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल र्यूड हो जाएगा, इसमें कल्चर नहीं आ पाएगा, अनकल्चर्ड, लैकिंग ऑफ सोशल ग्रेसेस, ठीक है। अब रस्टिकेट, रस्टिकेट हमारा जो रूरीज था, रस था, वो फार्मलैंड कंट्री। तो रस्टिकेट का मतलब क्या होता है, टू स्पेंड टाइम इन द कंट्री अवे फ्रॉम टेंशन ऑफ बिग सिटी, मतलब सिटी से हट के अपने गांव की तरफ, फार्मलैंड की तरफ, या अपने कंट्री में कहीं भी ऐसा जगह जहाँ पे सिटी नहीं है, वहाँ पे जाके अपना टाइम को स्पेंड करने को हम रस्टिकेट कहते हैं, ठीक है। ये सेशन थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, चलिए इस सेशन को मैं ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू, प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस सेशन को।